हेलो, मैं सौरभ गुप्ता। आई एम परसुइंग सीएमए कोर्स। आई एम स्टूडेंट ऑफ सीएमए फाइनल। सो आई परचेज्ड कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, विच इज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 4 ऑफ सीएमए फाइनल। आई परचेज्ड सीएफआर लेक्चर्स ऑफ सीए सीएमए संतोष कुमार सर। ओके, आई परचेज्ड इट फ्रॉम द मोस्ट विजिटिंग साइट ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेस लाइक सी ए सी एम ए एंड सी एस कॉन्फ्रेंस। ओके, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेक्चर्स प्रोवाइडेड टू मी। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो मेरे पास सी एफ आर के लेक्चर्स आए थे, तो मेरे को दो मॉड्यूल प्रोवाइड किए गए थे। ठीक है, मॉड्यूल दिए गए थे। सबसे पहले मॉड्यूल में सेक्शन वाइज मतलब था कि जैसा वेटेज ऑफ मार्क्स है उस हिसाब से सर ने सब डिविजन्स में सेक्शन बना रखे थे, सेम एज इन दिस वीडियो। इन दिस मॉड्यूल सेक्शन पर सब डिवाइड। ठीक है, मॉड्यूल 1 में जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, आईएनडी, इंडियस थे, एंड एक और सेक्शन था सेक्शन बी जो कि बिजनेस रिकंस्ट्रक्शन से रिगार्डेड। ठीक है, तो सेक्शन जो मॉड्यूल 1 था उसमें ये तीन चीजें कवर थी। ठीक है, मॉड्यूल 2 में रिमेनिंग पार्ट था लाइक मतलब सेक्शन बी सी डी ई, टोटल 5 सेक्शंस में, 5 सेक्शंस में सर ने पूरे सीएफआर को डिवाइड कर रखा था। ठीक है, जो कि बहुत इजी हो रहा था मतलब समझने के लिए कि कैसा क्या पढ़ना है। ठीक, फिर उसके बाद सेकंड इज लिंकेज ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, सर ने जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं ना, सबका मतलब किस केएस का कहाँ पर उसका मतलब यूज होना है, फिर उसका किस एनडीएस के साथ लिंकेज है, वो सबको सर ने काफी इजी वे में समझाया था। ठीक है, द थर्ड वन इज रिटेन नोट्स। मतलब सर ना क्या करते थे, जो भी क्लास में उनको नोट्स लिखवाने होते थे ना, तो वो क्लास में ही इटसेल्फ लिखवाते थे, जिससे कि अपनी क्या है जो राइटिंग प्रैक्टिस है, राइटिंग प्रैक्टिस वो हो जाती थी। ठीक है, देन फोर्थ वन इज सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। सर ने जितने भी मॉड्यूल मतलब जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल था, इंस्टीट्यूट मॉड्यूल, आईटीपी, एमटीपी एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, ये सारे के सारे जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थे वो चैप्टर वाइज कवर करें। ठीक है, देन उसके बाद डाउट सेशन। मतलब वैसे तो बहुत कम डाउट आते थे, बट जितने भी डाउट अगर जैसे स्टूडेंट को है तो वो मंडे टू सैटरडे इवनिंग 4 PM टू 7 PM सर अपने मतलब व्हाट्सएप के थ्रू सारे के सारे डाउट्स क्लियर करते थे थ्रू वॉइस मैसेजेस, जिससे कि अपन लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो जाता था कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, एक्सेप्ट संडे, एक्सेप्ट संडे। ठीक, संडे को सर अवेलेबल नहीं रहते थे। फिर उसके बाद क्या है, सबसे मेन, नो इंटरनेट रिक्वायर्ड, नो इंटरनेट रिक्वायर्ड क्लासेस। मतलब एक बार क्लास चालू कर ली, इसलिए इंटरनेट की जरूरत नहीं रहती थी, डायरेक्ट अपन लोग क्लास देख सकते थे विदाउट इंटरनेट। ठीक है, और ये पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव मोड में अवेलेबल थे, मतलब पेन ड्राइव मोड में भी सर ने लेक्चर्स प्रोवाइड करे थे एंड गूगल ड्राइव मोड पर। ओके, फिर उसके बाद डिलीवरी,
तो डिलीवरी थी वो बहुत ही ज्यादा सेफ एंड इजी, ठीक है। मतलब जो भी मॉड्यूल्स एंड पेन ड्राइव, मैं तो पेन ड्राइव लेक्चर परचेस किए थे, तो मॉड्यूल और पेन ड्राइव मतलब बहुत जल्दी और अच्छे से आ गई थी, ठीक है। देन उसके बाद सपोर्टिव टीम, सपोर्टिव टीम मतलब कोई भी प्रॉब्लम होना लेक्चर को प्ले करने में, या मतलब जो डिलीवरी है उसके रिगार्ड में कुछ पूछने के लिए, डिलीवरी कहाँ तक आई, वो सबके लिए एक सपोर्टिव टीम थी जो प्रॉपरली असिस्ट करती थी, प्रॉपर असिस्टेंस देती थी, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को, मतलब मेरे को तो CFR के लेक्चर संतोष सर के काफी पसंद आए, और पूरा का पूरा कंसेप्ट इजीली, हर एक टॉपिक को उन्होंने इजीली में समझाया। तो मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग CA या CMA कर रहे हैं तो CFR का संतोष सर का ही लेक्चर परचेज कीजिए, आप लोगों को काफी बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।